हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है एक भूतिया हैंडपंप की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया हैंडपंप की कहानी। एक दिन पारुल और नीलम गांव के पास वाले बगीचे में फूल तोड़ने जाती हैं। तभी उन्हें उस बगीचे में एक सोने से बना हैंडपंप दिखाई देता है। अरे ये हैंडपंप यहाँ कैसे आ गया? आज से पहले तो इस हैंडपंप को मैंने कभी नहीं देखा। पता नहीं, लेकिन जरा इस हैंडपंप को गौर से देखो। ये हैंडपंप पूरी तरह सोने से बना है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई हैंडपंप है। हाँ तुम ठीक कहती हो, ये एक सोने का जादुई हैंडपंप है। और शायद इसके अंदर से पानी की जगह ढेर सारा सोना निकलता है। चलो इसे चलकर देखते हैं। लालच में आकर दोनों लड़कियां हैंडपंप को चलाना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी उस हैंडपंप से ढेर सारा खून बाहर निकलता है। ये देख दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। अरे नहीं, इस हैंडपंप से तो खून निकल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दोनों लड़कियां वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तभी वो हैंडपंप एक चुड़ैल में बदल जाता है। चुड़ैल दोनों को पकड़कर जमीन के नीचे बने तहखाने में ले जाती है। अरे लालच में आकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ मुझे हमेशा सिखाती थी कि कभी लालच में आकर कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। काश मैंने अपनी माँ की बात सुनी होती। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी चुड़ैल एक बड़ा सा चाकू उन दोनों के पेट में घोपकर उन्हें मार देती है। उसके बाद दोनों लड़कियों का मांस खाकर उनका खून पी लेती है। ये सब करने के बाद चुड़ैल फिर से सोने का हैंडपंप बनकर उस बगीचे में खड़ी हो जाती है। फिर अगले दिन से जो भी आदमी लालच में आकर उस हैंडपंप के पास आता था तो चुड़ैल उसे मारकर खा जाती। दूसरी तरफ गांव के काफी सारे लोगों के अचानक गायब होने से सभी गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। फिर एक दिन राजू अपनी पत्नी के साथ उस बगीचे से गुजर रहा था कि तभी राजू की पत्नी को वो सोने का हैंडपंप दिखाई देता है। इतना बड़ा सोने का हैंडपंप देखकर राजू की पत्नी खुशी से उछल पड़ती है। अरे वो देखो, वहाँ एक सोने का हैंडपंप लगा है। अरे हाँ, ये हैंडपंप तो पूरी तरह सोने से बना है। पता नहीं ये हैंडपंप यहाँ किसने लगाया। अरे हमें इन सब बातों से क्या लेने देना है, चलो इस हैंडपंप को उखाड़ कर अपने घर ले चलते हैं। फिर इसे पिघला कर इसका सारा सोना बाजार में बेच देंगे। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी उस हैंडपंप को उखाड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो हैंडपंप फिर से चुड़ैल में बदल जाता है। चुड़ैल को देख दोनों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, चलो भागो यहाँ से वरना ये चुड़ैल हम दोनों को मारकर खा जाएगी। चुड़ैल दोनों को पकड़ लेती है और हमेशा की तरह अपने तहखाने में ले जाकर उन दोनों को मार कर उनका मांस खा जाती है। इस तरह रोज कोई ना कोई उस सोने के हैंडपंप के लालच में आकर चुड़ैल के जाल में फंस जाता था। फिर एक दिन बिरजू नाम का एक गरीब आदमी उस बगीचे में फूल तोड़ने आता है। काफी देर फूल तोड़ने के बाद उसे बहुत प्यास लगती है, तभी उसे सोने का हैंडपंप दिखाई देता है। बिरजू बहुत होशियार था। उस सोने के हैंडपंप को देख वो समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। इसीलिए वो हैंडपंप को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन बिरजू गांव के तांत्रिक से मिलकर उसे सारी बात बता देता है। तुमने मुझे उस सोने के हैंडपंप के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया बिरजू। पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के बहुत सारे लोग अचानक लापता हो गए हैं। हो ना हो, लोगों के गायब होने और सोने के हैंडपंप के बीच में जरूर कोई संबंध है।
फिर अगले दिन तांत्रिक और बिरजू उस सोने के हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़कर एक बड़ा सा पत्थर उस हैंडपंप के ऊपर रख देता है, लेकिन तभी वो हैंडपंप चुड़ैल में बदल जाता है और चुड़ैल अपने सर पर इतना बड़ा पत्थर देख रोने लगती है। अरे ये पत्थर मेरे सर पर किसने रख दिया? ये बहुत ही भारी है, कोई इसे हटाओ। ये जादुई पत्थर है, मैंने अपने मंत्र से तैयार किया है, अब ये तेरे सर से कभी नहीं हटेगा। तभी वहाँ पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तांत्रिक एक मंत्र पढ़कर उस पत्थर पर आग लगा देता है, जिससे चुड़ैल का पूरा शरीर मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है और चुड़ैल मर जाती है। फिर इस घटना से सबक लेकर सभी गांव वाले जिंदगी में कभी लालच ना करने की कसम खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, भूतिया हैंडपंप की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमें हमेशा अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है चुड़ैलों की होली की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैलों की होली की कहानी। रामपुर गांव के लोग होली के त्योहार से बहुत डरते थे। हर साल जब होली का त्योहार आता था तो वो सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते। फिर एक दिन शहर से उस गांव में सनिका नाम की एक लड़की आती है। अरे सनिका, अचानक तो मेरे गांव कैसे आ गई? तू तो जानती है अभी हमारी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, इसीलिए मैंने सोचा कुछ दिन तेरे साथ गांव में बिता लूं। लेकिन इस वक्त तूने गांव में आकर ठीक नहीं किया, यहाँ का माहौल बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? 10 दिन के बाद होली का त्योहार आने वाला है और इस दिन पास की पहाड़ी में रहने वाली चुड़ैलें हमारे गांव में आकर लोगों को उठा ले जाती है और उन्हें मार कर उनके खून से होली खेलती हैं। अरे ये तू क्या कह रही है, तेरी बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। मेरी मान, तू इसी वक्त वापस लौट जा। दीपिका की बात सुनकर सनिका उसी वक्त शहर लौट जाती है। उधर दूसरी तरफ जल्द ही होली का त्योहार आने वाला है, ये सोचकर सभी चुड़ैलें बहुत खुश थी। होली के त्योहार में बस कुछ ही दिन बचे हैं, मैंने तो फैसला कर लिया है इस बार मैं जवान खूबसूरत लड़कियों के खून से होली खेलूंगी। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे जवान लड़कियों को पकड़ कर लाना होगा। तुम चिंता मत करो, हम कल से ही लड़कियों को पकड़ना शुरू कर देंगे। फिर अगले दिन कविता और उसकी सहेलियां नदी पर पानी भरने जाती हैं, लेकिन वहां दोनों चुड़ैलें आकर उन्हें पकड़ लेती हैं। अरे नहीं, ये चुड़ैलें कहां से आ गई? अभी होली का त्योहार आने में काफी समय है। अरे जरा इस सुंदर सुंदर लड़कियों को देखो, इनके खून से होली खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो अभी इन सबको मार कर इनका सारा खून निकाल लेते हैं। अरे नहीं, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन दोनों चुड़ैलें बहुत ही बेरहम थी, वो उसी वक्त सभी लड़कियों को मार कर उनका खून एक बड़ी बाल्टी में भर लेती हैं। दूसरी तरफ जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो उन चुड़ैलों के डर से उनके हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं। अरे नहीं, इन चुड़ैलों ने तो अपना आतंक अभी शुरू कर दिया, लगता है इस बार गांव की जवान लड़कियां उनका शिकार हैं। वो चुड़ैलें बहुत ही खतरनाक है, तुम देख लेना, वो इस गांव की सभी लड़कियों को उठाकर ले जाएंगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह सभी गांव वाले दुखी हो जाते हैं
उधर अगले दिन से दोनों चुड़ैलें गांव में पहुंच जाती हैं और एक एक करके गांव में मौजूद सभी जवान लड़कियों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती हैं। चलो अब इन सब लड़कियों को अपनी गुफा में ले चलते हैं। आज तो बहुत सारी लड़कियां हमारे हाथ लगी हैं। सभी गांव वाले चुड़ैलों से उन लड़कियों को छोड़ने की विनती करने लगते हैं। देखो तुम सब बहुत किस्मत वाले हो, इस बार हम सिर्फ जवान लड़कियों के खून से होली खेलेंगे, इसलिए तुम सब बच गए। चलो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सबको इसी वक्त जान से मार दूंगी। ये सुनकर सभी गांव वाले डर के पीछे हट जाते हैं। फिर दोनों चुड़ैले सभी लड़कियों को वहां से ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी दीपिका की सहेली सनिका उन दोनों चुड़ैल का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। तुम दोनों इन लड़कियों को इसी वक्त छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। अरे तू एक मामूली सी लड़की हमें धमकी दे रही है, यहाँ आकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। लड़कियों के साथ अब मैं तुझे भी मार कर तेरे खून से होली खेलूंगी। लेकिन चुड़ैल जैसे ही सनिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी सनिका एक पिचकारी निकालकर दोनों चुड़ैल पर रंग डालना शुरू कर देती है और तभी दोनों चुड़ैल के शरीर पर आग लग जाती है। फिर देखते ही देखते दोनों चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह सनिका अपनी बहादुरी से दोनों चुड़ैल का खात्मा कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सनिका, तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन ये सब तुमने कैसे किया? ये एक जादुई पिचकारी है, इससे मैं अपने पड़ोस में रहने वाली जादूगरनी आंटी से मांग कर लाई हूँ। अब इन चुड़ैलों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब तुम लोग बिना डर के होली खेल सकते हो। इस तरह चुड़ैलों का खात्मा हो जाता है। सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और फिर होली का त्योहार आने पर खूब होली खेलते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों की होली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य और हिम्मत के साथ हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।